हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज बात करेंगे मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 170। क्या कहती है धारा 170? धारा 170 में अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध का प्रावधान किया गया है। धारा 170 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करता है जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कि कोई जुर्माना निश्चित नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर धारा 170 लगाई जाएगी। इसके साथ इस धारा में यह भी कहा गया है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दूसरे रूल्स बनते हैं या जो नोटिफिकेशन समय समय पर जारी होते हैं, यदि उनमें भी इस एक्ट के तहत कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं होती तो ऐसे में धारा 170 लगाई जाती है। धारा 170 का उल्लंघन करने पर, यानी कि जो व्यक्ति धारा 170 का पहली बार उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ₹500 का जुर्माना लगाया जाता है। और यदि दूसरी बार उस व्यक्ति द्वारा धारा 170 का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर जुर्माना ₹1,000 लगाया जाता है। तो इस प्रकार धारा 170 एक जनरल प्रोविज़न है पुनिशमेंट के लिए, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी धारा के लिए यदि कोई दंड नहीं दिया गया है तो उस पर धारा 170 लगा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को यदि मैं बताऊं तो हम अपने जीवन में छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे ट्रैफिक साइन का पालन नहीं करना, किसी वाहन की छत पर या बोरनट पर सवारी बैठाना, वाहन की नंबर प्लेट मानकों के अनुरूप में न होना, या वाहन में रिफ्लेक्टर ना होना, या गुड्स व्हीकल में सवारी ढोना इत्यादि। तो इस प्रकार की गलतियों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में धारा 170 का प्रोविज़न किया गया है।